हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पर। आज आपने लेकर आए हैं व्रत स्पेशल रेसिपी। बनाने जा रहे हैं झटपट बन जाने वाले साबूदाने की ऐसी रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम घी तेल में बना के तैयार कर सकते हैं। बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। बनाने के लिए ले रहे हैं यहाँ पर हम पूरा 1 कप साबूदाना, मीडियम साइज़ वाला साबूदाना लिया है, बड़े वाला या छोटे वाला नहीं लिया है हमने। और बस इसे हमने करीब 1 से 2 बार वॉश कर लेना है और उसके बाद हम इसे सोक करने के लिए रखेंगे। करीब 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसे सोक करना है। बताना चाहेंगे इसे सोक करने के लिए ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। 1 कप साबूदाने में बस हमने 3/4 कप पानी ऐड करके इसे सोक करा है करीब 2 घंटे के लिए। 2 घंटे बाद आप देख सकते हैं साबूदाने ने सारा ही पानी अच्छे से सोक कर लिया और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं है। और साथ में यहाँ पे हम ले रहे हैं करीब 1/2 कप कच्ची मूंगफली, जिन्हें हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लेना है। और उसके साथ ही यहाँ पे हमने लिए हैं करीब 5 उबले हुए आलू, जिन्हें हम छिलका उतार के बारीक ग्रेट करके रख लेंगे। और बस यहाँ पे हमने इतनी तैयारी करी है। और हमारे साबूदाने को हम ले रहे हैं एक बड़े बर्तन में और इस साबूदाने में ही हम ऐड कर देंगे हमारे वो 5 आलू जो हमने बारीक ग्रेट करके तैयार कर लिए हैं। और सारे ही आलू को हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। अगर साबूदाना बड़ा खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगती है ये रेसिपी। साथ में थोड़ा सा हमने ऐड करा है बारीक कटा हुआ हरा धनिया और जो हमने हमारी मूंगफली को ड्राई रोस्ट करा था उसे हमने दरदरा से ग्राइंड कर लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है बस 2 चम्मच। और बाकी बची हुई मूँगफली में ऐड करा है हमने थोड़ा सा धनिया, 1 हरी मिर्च और यहाँ पर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, बस 1/2 चम्मच। और सभी चीज़ों को हमने एक बार चला लेना, एक बार ग्राइंड कर लेंगे। और एक सूखा पाउडर हमने बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करा है और आप देख सकते हैं कुछ इस कंसिस्टेंसी में हमारा ये पाउडर बन के तैयार हुआ है, मसाला बन के तैयार हुआ है जिसे हम यूज़ करेंगे हमारी आज की रेसिपी की स्टफिंग में। और बस इस मिश्रण में भी ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच से हल्का सा ज़्यादा नमक, व्रत वाला नमक यहाँ पे हमने ऐड करा है। और यहाँ पे आप चाहें तो हरी मिर्च भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। हमने हरी मिर्च को यहाँ पे स्किप करा है, बस स्टफिंग में ही यहाँ पे हमने ऐड करी है। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच ऐड करा है काली मिर्च का पाउडर और साथ में ऐड करेंगे 1/2 चम्मच करीब भुने हुए जीरे का पाउडर। और बस सभी इन्ग्रीडियंट्स को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और बस जैसा कि आप देख सकते हैं सभी इन्ग्रीडियंट्स को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। और बस हाथ को हल्का सा ग्रीस करेंगे जिससे कि हमारे हाथ में ना चिपके, बीच बीच में आपको हाथ ग्रीस करने की जरूरत जरूर पड़ेगी इसे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हाथ में इस तरह से थोड़ा सा पोषण लेंगे, इस बैटर में से इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। और यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी हमारी स्टफिंग, हमारा जो मसाला हमने बना के तैयार करा था मूँगफली धनिए और हरी मिर्च का, वो यहाँ पर हमने भर देना है और अगेन इसे कुछ इस तरह से हमने पैक कर देना है। जिस तरह से आज इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं बिल्कुल भी साबूदाना आपका फटेगा नहीं, ना ही ये कच्चा रहेगा और इवन बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी और घर में बड़े बच्चे सभी इसे पसंद भी करेंगे। और बस इसी तरह से हमने सारे ही बैटर के थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए यहाँ पर स्टफिंग को भर के हमारे इस नाश्ते को बना के तैयार करके रख लेना है। हमने भी हमारे इस नाश्ते को स्टफ करके तैयार करके रख लिया है, चलेंगे इन्हें सेकने के लिए। और जैसा कि हमने आपसे कहा था बहुत ही कम घी तेल के साथ हम आज की इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं, तो आज हमने इन्हें बनाया है अप्पे पैन में। बताना चाहेंगे अप्पे पैन में बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते बल्कि ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, ना ही फटने का डर रहता है और ना ही ऑयल सोक करने का डर रहता है। और बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी इस रेसिपी को बना कर तैयार कर सकते हो, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट मसाला भरा हुआ, बहुत ही बढ़िया ये लगने वाले हैं। और बस यहाँ पे जब तेल गर्म हो जाएगा गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए हमने एक एक करके हमारे इस नाश्ते को रख देना है हमारे अप्पे पैन में। और बस अलट पलट करते हुए हमने इन्हें अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है, डालते ही नहीं पलटेंगे। करीब हमने डालने के 2 मिनट बाद इन्हें पलटना स्टार्ट करा है, गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर है। और बस इसी तरह से अलट पलट करते हुए अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमने इन्हें सेक लेना है। और बस अलट पलट करते हुए हमने अच्छा गोल्डन कलर आने तक इन्हें सेक लिया है। आप देख सकते हैं इनका कलर, इनका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बीच वाले जल्दी सेक जाते हैं इसलिए उन्हें हमने उतार लिया है। और साइड्स वालों को भी थोड़ा सा और सेकेंगे अच्छा सा गोल्डन होने तक, इन्हें हमने भी और सेक लेना है। और बस इसी तरह से साबूदाने की इस रेसिपी को हमने सभी को सेक कर तैयार कर लिया है। आप इनका कलर, इनका टेक्सचर देख सकते हैं। इन्हें दही चटनी किसी के साथ भी सर्व करें, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये। आप भी इस नवरात्रि एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छा क्रिस्पी है ये बाहर से
और अंदर से बिल्कुल मुलायम मसाला भरा हुआ, ना फटने का डर ना ही चिपकने का डर। तो एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, हमारे साथ शेयर करिए रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।